अभी हम लोग पहुंचे हैं अपने थर्ड लोकेशन पे। ये है फेजरगंज, जो फेमस है विंड व्हील के लिए। यहाँ पे आपको बड़े बड़े विंड व्हील देखने के लिए मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, देखिए इधर बड़े बड़े विंड व्हील, बहुत सारे विंड व्हील लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसी के लिए ये काफ़ी फेमस है। और ये जो आप खंडहर देख रहे हैं, ये सर फेजर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक ऑफिसर थे, उन्होंने इस पूरी बौखाली बीच को बसाया था। ये उनका ऑफिस हुआ करता था, उन्हीं के नाम पे ये फेजरगंज आइलैंड का नाम पड़ा है। अभी ये फिलहाल खंडहर बन चुका है। पुराने ज़माने में ये एक पोर्ट हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि 1903 से 1908 तक वो यहाँ के ऑफिसर थे, वो बौखाली के कमिश्नर भी रह चुके थे। और उनका जो घर था, वो आप यहाँ से आगे में कुछ कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ जो खंडहर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वो खंडहर ही उनका घर था। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि उनका घर यहाँ नहीं था, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ उनका ऑफिस था। पर हाँ, आगे में कुछ खंडहर दिखाई दे रहे हैं जो कि समुद्र के अंदर डूब चुके हैं। और अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ उनका घर था, और यहाँ पे ये गंगा मंदिर है जो बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं। और बाकी जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, वो है ये सारा का सारा विंड व्हील। हालांकि ये विंड व्हील अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि पिछले साल साइक्लोन आया था, और इसके कारण ज़्यादातर विंड व्हील का जो पंखी होते हैं वो टूट गए हैं, तो जिसके कारण अभी ये बंद है। तो यह रहा फेजरगंज, हमारा थर्ड व्यू पॉइंट। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं इसको थोड़ा नज़दीक से, और देखते हैं अंदर में जाके कि किस तरह का है ये। पूरी तरह से हालांकि ध्वस्त हो चुका है, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पेड़ वगैरह भी है यहाँ पे। इधर से आके थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, और बखाली बीच यहाँ पे आ गए हैं। और स्पेशली थैंक्स टू दादा, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा, मतलब चार स्पॉट को इन्होंने घुमाया, और काफ़ी अच्छा उसके बारे में हिस्ट्री भी बताया इन्होंने। तो आप जरूर आइए, और इनका नंबर देखिए, साइट सीन घूमना है। हाँ तो गाइस आप जरूर आइए, और आने के बाद यहाँ पे इनसे मिलिए, और ये आपको पूरा गाइडलाइन करेंगे, और इनका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप जरूर इनसे मिलकर कर सकते हैं। शादी नहीं करते हैं ना, शादी कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नंबर यहाँ पे टोटो पे है, और 300 रुपये इन्होंने लिया, और चार जगह ये मुझे घुमाए, तो थैंक्स। यहाँ पे ये पार्किंग देख सकते हैं बखाली बीच के सामने, बहुत से लोग आए हुए हैं। वहाँ पे देखिए बखाली पिकनिक ग्राउंड भी आपको दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेम्पल अभी आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखिए ये कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, और ये देखिए टॉयज की दुकान इस साइड में भी आप फूड कॉर्नर देख सकते हैं। और फिलहाल अब चलते हैं सीधा आगे बीच पे, बहुत लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हवा काफ़ी तेज है यहाँ पे। तो दोस्तों ये मेरा फाइनली लास्ट डेस्टिनेशन है बौखाली टूर का, और आप अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में आप देख सकते हैं बौखाली टूर का, आपको लिंक वहां से मिल जाएगा। चेयर भी मिलता है, 1 घंटे का 10 रुपये लगता है, और आराम से आप इस पर बैठ सकते हैं, और बैठ के बीच का व्यू ले सकते हैं। यहाँ से देखिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं, और 10 रुपये पर आवर के हिसाब से यहाँ पे चेयर आपको मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग अब पहुँच गए हैं फिर से
बस स्टॉप और यहाँ से बस स्टैंड से हम लोग बस पकड़ेंगे और सीधा नामखाना रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के सीधा निकल जाएंगे सियालदह। और आज का ये मेरा बजट ट्रिप यहाँ पे समाप्त होता है। तो गाइस अगर ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।